हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम जे व्लॉग। तो अभी यार प्रॉब्लम आ गई है बाइक में, मुझे अभी वो नोटिस करी मैंने बाइक में, तो अभी वही दिखाने में शोरूम जा रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि जहाँ से मैंने ली थी वहीं पर ही मैं सोच रहा हूँ पहले दिखा लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। और मैं ये भी सोच रहा था कि बाइक की फ़र्स्ट सर्विस है वो भी करवा ही लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिप के लिए मुझे निकलना है जल्दी एक दो दिन में, तो मैं सोच रहा हूँ सर्विस करवा के ही निकलूँ, क्योंकि अब वो 850 तो चल गई है और 1000 पे इसकी फ़र्स्ट सर्विस होनी है। तो बस अभी वहीं निकल रहे हैं, पहले शोरूम जाते हैं फिर देखते हैं क्या कहते हैं शोरूम वाले, क्या करना पड़ेगा। और अभी मैंने अपने फ्रेंड को कॉल कर दिए, फैज़ान को, वो भी आने वाला है, तो फिर निकलते हैं साथ में, जाते हैं फिर मिलते हैं आपको और आगे दिखाते हैं वीडियो में क्या क्या होना है, क्या मेरी बाइक में प्रॉब्लम आई है, क्या किस वजह से मैं जा रहा हूँ शोरूम। तो स्टे ट्यून, आगे वीडियो में पता चलेगा आपको क्या करवाना है क्या नहीं। तो आ गए हम, बस सर्विस होनी है हमारी बाइक की, सर्विस सेंटर पहुंच गए, सर्विस सेंटर। बस अभी लंच चल रहा है, लंच के बाद फिर हम अपनी बाइक देते हैं। कौन सा सर्विस सेंटर है? फेस टू। ठीक है, ये है फेस टू में सर्विस सेंटर यामा का, ये यहाँ पर एक ही बचा हुआ है। तो बस अभी जाएगी अंदर, फिर आपको दिखाते हैं पूरी सर्विस, फर्स्ट सर्विस होनी है हमारी इसकी। देखो बाइक में तीन प्रॉब्लम है अभी, जो मेन इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो एक तो ये है, हैंडल इसका थोड़ा सा टेढ़ा है, या जो भी प्रॉब्लम होगी वो देख लेंगे भाई। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर है, शायद यहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन सेट में से आ रही है या शॉकर में से आ रही है वो भाई देख के बता देंगे, सही कर देंगे, उसको भी बोल रहे हैं। और एक इसका हैंडल जो है, वो हैंडल कह रहा हूँ सॉरी, स्टैंड जो है वो बिल्कुल सीधा है, शायद BS6 में ऐसे ही है, तो ये स्टैंड इसको उतरता रहता है, वो भी करवाएंगे। ठीक, अभी ये जा रहे हैं भाई, जॉब कार्ड खुलेगा फिर उसके बाद सर्विस के लिए जा रही है। देखो फिर आपको दिखाते हैं सर्विस पूरी, क्या क्या इसमें होगा, क्या क्या चेंज होगा। तो ये भाई ले जा रहे हैं अभी सर्विस के लिए अंदर, इसका आज पूरा काम करवा देंगे। ये भाई अपने एक्सपर्ट हैं यहाँ के, ये भाई हाँ, ये थोड़ा थोड़ा के देख रहे हैं, 180 ले जा रहे हैं बाइक पे। ये सुपरवाइजर है भाई। ठीक है, इन्होंने हमारी बाइक देखी है, अभी बता रहे हैं जो भी काम करवाएंगे सब इसमें ही कर देंगे सही। तो मिलते हैं फिर नीचे सर्विस पे, इतने हम जॉब कार्ड खुलवाते हैं। सो मैं अब आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा था, क्या नहीं। तो ऐसा हुआ कि मैं बाइक चला रहा था और पता चला मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ हैंडल ये लेफ़्ट वाला जो है थोड़ा सा बैंड है, अंदर बैंड है। तो फिर मैंने फैज़ान को चलवाई, फैज़ान ने भी बोला कि हाँ थोड़ा सा मुझे भी लग रहा बैंड है, और जो शॉकर में प्रॉब्लम आ रही थी या शायद उसके हैंडल में प्रॉब्लम है नीचे कौन सेट में, क्योंकि वो टक टक गड्ढों में आवाज़ आ रही है उसकी टक टक करके, तो वो मुझे प्रॉब्लम पहले से लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने आज बात करी शोरूम में जहाँ से मैंने बाइक ली थी, वहाँ से मैंने पूछा, दिखाई मैंने ले जाके उनको, तो वो बोलते हैं कि हाँ है तो प्रॉब्लम, लेकिन आप सर्विस सेंटर में दिखा दो, वो बताएंगे आपको कि क्या है मसला इसका। तो अभी यही लाया था सर्विस सेंटर, तो इन्होंने बोला है देखो कि इसको हम बैंड जो है वो सीधा कर देंगे, ठीक है, अगर वो फिर भी दिक्कत करता है तो हम चेंज कर देंगे। फिर भी मैंने बोला कि अभी चेंज कर दो आप इसको, कह रहे नहीं पहले आप देख लो वरना तो फिर इसको चेंज करवा देंगे, अगर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम चेंज करवा देंगे, लेकिन पहले एक बार उसको ट्राई कर लो। मैंने चलो ठीक है, ट्राई के लिए एक बार हम कर लेते हैं, और जो उसकी शॉकर की प्रॉब्लम है या जो भी है कौन सेट की प्रॉब्लम है टक टक की आवाज़ की, वो भी बोल रहे हैं कि ठीक कर देंगे अभी, उसके लिए भी बोल दिया था मैंने। ठीक है, अब तीसरी दिक्कत आती है इसकी स्टैंड की, स्टैंड बिल्कुल इसका सीधा है, अब वो स्टैंड को इन्होंने बोला तो है कि ठीक है देख लेते हैं, लेकिन सब में ही यही 26 जो भी हैं उसमें सब में ही ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टैंड बिल्कुल सीधे हैं, उसका हैंडल हम जब सीधा करते हैं तो वो बैंड मतलब बाइक जो है गिर जाती है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, सही करेंगे उसको या नहीं, या फिर वो ऐसी चलेगी प्रॉब्लम। तो अभी तो बाइक यहीं खड़ी है, जॉब कार्ड बन गया है, सब कुछ हो गया है, अभी ये जाएगी नीचे तो वहाँ दिखाएंगे आपको सर्विस वर्विस कैसे होगी क्या नहीं। ठीक है, फिर जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिखाएंगे क्या डिफरेंस है क्या नहीं, अगर कुछ भी डिफरेंस हमें लगता है कि हाँ भाई आया है हैंडल में, शोकर में, कौन सेट में, तो फिर ठीक है, वरना तो फिर भाई मैं इनको वापस पकड़ा दूंगा, करो भाई इसको सही, मुझे परफेक्ट गाड़ी चाहिए भाई, जैसी मुझे मैंने नई ली है तो मुझे नई ही चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नीचे फिर दिखाते हैं कैसे होती है सर्विस, क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज होना है इसमें। भाई ये जा रही है, भाई लेके जा रहे हैं नीचे, देखो
ठीक है भाई, ये गई 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 ये लंगड़ा लंगड़ा आ रहा देखो चलता हुआ। ये लो भाई जा रही है क्रेन पर, इंजन ऑयल निकल रहा है देखो। ठीक है ये डलेगा, ये भाई स्पोर्टी क्या है, स्पोर्टी प्रीमियम GENUIN जिराफ, ठीक है ये है जेन्युइन फोर स्टॉक मोटर ऑयल फॉर यामाहा मोटरसाइकिल, ये हमारी बाइक के लिए है। और क्या क्या है इसमें भाई, कुछ देखिए कुछ नया दिख रहा है इसमें, दिख रहा है फुल्ली सिंथेटिक है भाई, फुल्ली सिंथेटिक है, मेंबर है देखो YAMALUBE यामाहा यूम्बुला लाला। तो भाई ये यामा वालों का ही होता है, यामा के शोरूम में ही मिलेगा ये, सर्विस सेंटर में तुम्हें, ठीक है सिंथेटिक है फुल्ली। ऑयल फिल्टर भी आ गया, ये जा रही है भाई धुलने के बाद, और हमारी सारा सवारी ये रही, हम इस पे जाएंगे, चलो फिर से चलो। तो आ गए सर्विस सेंटर वापस, अब ये हो गई है भाई वॉशिंग, चैन ल्यूब होने के लिए आई है, चैन ल्यूब हो रही है मेरा। तो भाई करवा लिए सर्विस डन, ठीक है पहली सर्विस अपनी हो गई कंप्लीट, और बाइक खड़ी है पीछे देखो वो रही, दिख रही होगी ये रही। तो अभी जा रहे हैं घर, और आपको मैं अभी दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या करवाया है इसके अंदर। एक तो हमारा ये इंजन ऑयल डला है, और चेन क्लीन और चेन ल्यूब का है, ठीक है
और अभी ऑयल फिल्टर अभी इनके पास था नहीं तो वो डलवाया नहीं है। अब फिर भी वो चल जाएगी, अभी 3000 चल जाती है एक ऑयल फिल्टर पे, तो उसके बाद अपना चेंज करवाएंगे ऑयल फिल्टर भी। ठीक है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, शाम हो गई है, खाएंगे पाएंगे, भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।